मॉर्निंग क्लास 7. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एंड आफ्टर आर कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट एफए दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास. आई थिंक यू ऑल हैव डन वेल. आई होप दैट यू ऑल हैव डन वेल एंड हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चंस आल्सो. एंड सेम एमसीक्यू एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड अगेन टू कम अगेन फॉर द नेक्स्ट टर्म. सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गो थ्रू लाइंस, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द स्टोरी. Those in the poetry that I'm going to do in the upcoming, and please go through the word meanings because those are also very important. I just want you all to go through each and every sentences properly. Try to memorize what the story is about the writers, about the poets. I think after if you will do these things, then you will be surely getting full marks. Okay. Now we are going to start with our lesson. Next lesson, that is a lesson 4, and lesson 4 English literature, that is chapter number 3, the cockroach that wrote music. Okay, now I think it's a fictional story because this generally doesn't happen. Okay, now we're going to start with it. Stupid homework, the cockroach that wrote music. Okay, the stupid homework. Benji tore the paper and crushed it. Now Benji is the name of the person who actually is tearing the paper, stupid homework, and crushed it. Usko wo tear karke usse phenk diya. He took out a fresh piece of paper. Now again he is writing fresh, he is taking fresh piece of paper, and he is saying music homework. Now after stupid homework he is writing, he is saying music homework. Okay, what a nuisance. Now what is nuisance? Nuisance matlab something which is not of importance, जिसे हम लोग कहते हैं बेकार है, फालतू है. ओके, विच इज़ वेरी मच अनॉइंग, बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता है, इट्स न्यूज़ेंस. ओके, ही डिप्ड द पेन इन अ बॉटल ऑफ स्पेशल ब्लैंक ब्लैक इंक एंड प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन. ओके, नाउ ही डिप्ड द पेन इन अ बॉटल ऑफ स्पेशल ब्लैक इंक. रिमेंबर प्रीवियसली वी यूज टू हैव इंक पेन्स इन द हेल्प ऑफ द इंक बॉटल. वी यूज टू राइट, डिप इट इनसाइड द बॉटल एंड टेक द इंक, मेक इट then only we were writing it. Now too much ink, it formed a shining black ball, rolled along the nib and plopped on the new page. Now see the descriptive way where the author is saying, he dipped the pen in a bottle of special black ink. तो वो black ink bottle में अपना pen डालता है, prepared to start again, और फिर से लिखने की कोशिश करता है. Now too much ink, वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ink है. It formed a shining black ball, क्योंकि अब वो shining black ball बना ले रहा है, पेज में सही से वो लिख नहीं पा रहे. Rolled along the nib and plopped on the new page. Benji frowned. Now क्या हुआ, पूरा पेज जो है वो बहुत गंदा हो गया है बिकॉज ऑफ द इंक, कुछ ज़्यादा ही इंक आ गया उसमें पेन में. Now Benji frowned. Frown means he gets annoyed, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है. Miss Bell was sure to notice that. Now Miss Bell वहाँ पर चलती है, वो नोटिस करती है ये सब. Never mind. Now on one of those curly things at the start of 5 lines. Now one of those curly things at the start of 5 lines. इसका मतलब कि जब बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं पेन से तो ये सब स्क्रिबल्स हो जाते हैं. शुड इट कर्ल अराउंड द बॉटम लाइन और द सेकेंड, और सेकेंड फ्रॉम द बॉटम लाइन, सेकेंड फ्रॉम बॉटम. नाउ ये बॉटम आपको पता है, आपको 4 लाइन्स पे पेजेस में पहले 4 लाइन्स इंग्लिश में हम लोग पहले लिखते थे, तो अब हम लोग थोड़ी सी सिंगल लाइन यूज़ करने लगते हैं. तो क्या होता है कि हमारा जो राइटिंग फॉर्मेशन है स्लोली चेंज होता है, वी हैव टू एडजस्ट विद द राइटिंग फॉर्मेशन. ओके, नाउ राइट. बेंजी थॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स एट द बीच एज ही स्टेयर्ड एट हिज होमवर्क. नाउ वो जब वो होमवर्क कर रहा है तो अपने फ्रेंड्स को इमेजिन कर रहा है कि वो लोग एक बीच पे हैं. इट सीम मोर बोरिंग देन एवर. बेंजी जंप्ड. देयर वाज अ स्करिंग मूवमेंट अराउंड द टॉप ऑफ हिज डेस्क एंड समथिंग स्मॉल एंड ब्लैक डार्टेड अंडर द म्यूजिक बुक. ओके, तो ब्लैक डार्टेड अंडर द म्यूजिक बुक, म्यूजिक बुक के नीचे एक स्मॉल ब्लैक डार्टेड, डार्टेड मीन समथिंग मूव सडनली, अचानक से मूवमेंट की आवाज़ है. He lifted it carefully. Ah. Now उसके म्यूजिक बुक के नीचे कुछ आ गया जिसको उसको ऐसा लगा कि कुछ ऑब्जेक्ट आ गया वहाँ पे जो बहुत अजीब सा साउंड किया. ओके, ना जब वो अपने बुक को उठा के देख रहा है तो वो देखता है कि अरे व्हाट इज दिस, इट्स अ समथिंग, इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग. ना बेंजी हेटेड कॉकरोच. ओ नो. ना वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉकरोच है. ना बेंजी को कॉकरोचेस पसंद नहीं है. आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिल्दी होते हैं, बहुत डर्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा अनॉइंग होते हैं, एंड एट द सेम टाइम
क्रिबलिंग होता है. क्रिबलिंग मीन्स काटने के उदर होते विद देयर क्रॉल्स. ओके देयर वाज सिक्स लेग्स ना रिमेंबर. नाउ ओ नो द कॉकरोच हैड रन थ्रू द ब्लॉक ऑफ इंक ऑन हिज होमवर्क. ना वहाँ पे कॉकरोच आ जाते हैं उसके होमवर्क के पेज पे. स्पिनली ट्रेल्स वेर लेफ्ट अक्रॉस द पेजेस. स्पिनली ट्रेल्स मतलब कि छोटी छोटी जो लाइन्स है वो फॉर्म हो जाते हैं. तो ये वेरी लॉन्ग एंड थिन लाइन्स वे फॉर्म ऑफ द मार्क्स दैट लेफ्ट बाय समबडी. तो वहाँ पे जो वो इंक पेन यूज़ कर रहा है तो जाहिर है वहाँ पे इंक ड्रॉप हुई है. तो वहाँ पे कॉकरोच जब चलेंगे तो इट विल मेक सम पैटर्न. ओके तो वहाँ पे लाइन्स फॉर्म हो रहा है. रूइंड. रूइंड मीन्स बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो रहा. तो उसका पूरा होमवर्क वो डिस्ट्रॉय कर देता है बिकॉज वो पे इंक ही हो जाते हैं. ही वुड हैव टू स्टार्ट अगेन नाउ. नाउ दिस बॉय बेंजी हैज टू स्टार्ट ऑफ अगेन, स्टार्ट विद द बुक अगेन बिकॉज अब वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया पेज. ही लिफ्ट द बुक हायर एंड रेडी टू क्रैश डाउन ऑन द पेस्की डर्टी इंसेक्ट. नाउ वो क्या करता है, वो बुक को उठा के उस इंसेक्ट को वो मारना चाहता है फेंक के. व्हाई दिस इज कॉल्ड पेस्की. पेस्की मीन्स वैया इट्स रिटन एट द एंड ऑफ द पेज. प्लीज सी अनॉइंग. ओके बिकॉज इंसेक्ट आर वेरी अनॉइंग एंड खासकर कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा ही अनॉइंग होते हैं. ओके नाउ द कॉकरोच डिड नॉट मूव. कॉकरोच इज नॉट मूविंग. ओके बिकॉज सडनली इफ सम बुक विल केप्ट अबव द कॉकरोच इट विल फील सम डेफिनेटली इट विल फील सम काइंड ऑफ वेट एंड इट विल स्टॉप फॉर अ मोमेंट. बट आई विल लाइक टू टेल यू दैट कॉकरोचेज विल नॉट डाई सडनली. ऑल्दो इट विल गेट हर्ट बट कॉकरोचेज की स्पैन ज़्यादा होते हैं इसलिए वो जल्दी नहीं मरते. द इट्स सैट देयर ट्विचिंग इट्स लॉन्ग स्लेंडर फीलर्स. ना उसके पास जो फीलर्स है उसके जो छोटे छोटे लेग्स हैं लॉन्ग स्लेंडर लेग्स. ट्विचिंग मीन्स यहाँ पे लिखा है सडन क्विक मूवमेंट. वो सडनली क्विक मूवमेंट दिखाता है. और इंक पार्टिकल्स स्टक इन हिज हेयर और सारे जो इंक जो ड्रॉप्स वहाँ पे जो गिरते हैं वो पेजेस पे तो वो उसके हेयरी लेग्स को और गंदा कर दे रहा है. ओके और उसको और चलने नहीं दे रहा है. तो बेंजी हेजिटेटेड. हेजिटेटेड मीन्स हेजिटेट होना का मतलब हुआ जब आप कुछ करना चाह रहे हो तो वो चीज़ उसमें आप घबराना. दैट इज कॉल्ड हेजिटेशन. ओके द होमवर्क. ना उसको याद आता है कह रहे हम तो होमवर्क कर रहे हैं. अलॉन्ग विद द कॉकरोच ट्रेल्स. ना वहाँ पे देयर वर ड्रॉट्स ऑन द लाइन्स. वहाँ पे बहुत सारे इंक के डॉट्स हो गए प्लस कॉकरोचेस के लेग्स के कॉकरोचेस के जो फाइन फाइन लेग्स होते हैं वो सबके प्रिंट्स आ गए हैं. तो बेंजी कुड नॉट रिमेंबर गेटिंग दैट पार्ट. श्योरली ही हैड ओनली डन द कर्ली थिंग्स एट द स्टार्ट. दीज फ्लैग्स ए बार लाइन बी डी डी एफ इम्पॉसिबल. फाइनली ही इज थिंकिंग कि अब हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज माई होल वर्क हैज बीन मेस्ड अप बाई दिस कॉकरोच बाई दिस इंसेक्ट. नाउ रिमेंबर द डर्टी इंसेक्ट द पेस्की डर्टी इंसेक्ट बिकॉज इज वेरी डर्टी. ओके ट्रस्ट मी इज वेरी डर्टी. अच्छा इट्स वेरी फिल्दी ऑल्सो. ही वॉच्ड हिज आईज बिगर देन सॉसर्स. नाउ उसके जो आईज वो देखता है कॉकरोच को तो उसकी आईज बिग होते हैं लाइक देन सॉसर्स. सॉसर्स आप देखते हो ना बड़ा सॉसर कप के साथ जो लोग सॉसर्स यूज करते हैं तो सॉसर से भी बिग उसके आईज हो गए. ओके द बुक हेल्ड स्टिल हेल्ड इन द एयर. ओके ना वो एक बुक अभी भी हाथ में लेके. द कॉकरोच वॉक टू द ब्लॉक ऑफ द इंक गैदर अ स्मॉल ड्रॉप इन द फ्रंट लेग्स वॉक केयरफुली ओवर द होमवर्क पेज एंड प्लेस द इंक नीटली बिटवीन द लाइंस. ओके नाउ कॉकरोच क्या करते हैं. ओके तो कॉकरोच वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने ही लेग से कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे हैं. ही वॉक टू द ब्लॉक ऑफ द इंक. वहाँ पे इंक जो ड्रॉप से वहाँ पे जाता है वॉक करके पेज पे एंड गैदर अ स्मॉल ड्रॉप इन द फ्रंट लेग्स और अपने फ्रंट लेग से वो कुछ पैटर्न फॉर्म कर रहा है. वॉक केयरफुली ओवर द होमवर्क पेज एंड प्लेस द इंक नीटली बिटवीन द लाइन्स. और बहुत नीटली बहुत ब्यूटिफुली वो पैटर्न बना रहा है लाइन्स बना रहा है. नाउ बेंजी के मुँह से निकलता है ए. सडनली रिमेंबरिंग द बुक एंड प्लेसिंग ही जेंटली ऑन द कारपेट. तो वो क्या करता है कि जल्दी से वो बुक याद आती है उसे कि ए सडनली रिमेंबरिंग द बुक एंड प्लेसिंग ही जेंटली ऑन कारपेट पे वो बुक ला के रखता है. ही नेल डाउन हिज फेस क्लोज टू द डेस्कटॉप. द कॉकरोच वर्कड ऑन. एक्चुअली में जो कॉकरोच पैटर्न बनाया था वो वॉज एक्चुअली बिकमिंग हेल्पफुल फॉर द बॉय फॉर बेंजी. बेंजी के लिए ये फ़ायदा होगा क्योंकि वो जो कॉकरोच जो पैटर्न फॉर्म कर रहा था वही तो उसे बनाने थे. I must have eaten too much peanut the butter sandwiches when I got home from school. Benji rubbed his eyes. तो वो अपनी आँख रब करते करते वो क्या कह रहा है. I must have eaten too much peanut butter sandwich. मैं लगता हूँ बहुत ज़्यादा बटर सैंडविच खा लिया हूँ जो मैं स्कूल से लेके आया था बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश एट स्कूल. कॉकरोच हैड फिनिश द फर्स्ट लाइन. कॉकरोच का फर्स्ट लाइन कम्प्लीट हो गया. Evidently pleased with him.
himself, he stepped back to survey his work. तो वो बहुत ज़्यादा प्लीज होता है, अपने आप पर बहुत खुश हो रहा है. एंड बेंजी couldn't move और he stepped back to survey his work. और जब वो अपने पीछे की तरफ जाता है कि ताकि वो और कुछ कर सके, तो वो देखता है कि हम तो मूव ही नहीं कर पा रहे. देन इट वॉज अ डिस्गस्टिंग डर्टी क्रीपी क्रॉलिंग इंसेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कौन आ गया है, वहाँ पे अगेन फिर से कॉकरोच आ गया है, विच इज़ अ वेरी डिस्गस्टिंग डर्टी क्रीपी क्रॉलिंग इंसेक्ट. दिस इज अ डिस्क्रिप्शन विच इज गिविंग ऑफ द कॉकरोच. ना आपको पता होना चाहिए कि जब भी कुछ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. ओके, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दैट इज बीइंग यूज्ड इन दिस लाइन. तो वो सी हाउ ब्यूटीफुली द कॉकरोच हैज बीन डिस्क्राइब. वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, बहुत ज़्यादा गंदा भी है, बहुत डर्टी भी है और क्रीपी क्रॉली भी है. क्रीपी मीन्स जब आप क्रॉल करिएगा तो इट विल मेक सम काइंड ऑफ मूवमेंट, है ना, तो वो क्रीपी मूवमेंट है, बहुत अनॉइंग मूवमेंट है. और इट हैज रिटन अ लाइन ऑफ म्यूजिक, और जब वो मूव कर रहा है तो वो एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है म्यूजिक का, राइम्स जैसे रिदम होते हैं ना, उस तरह से वो लाइनिंग फॉर्म कर रहा है. यहाँ पर आपको देखना है डिस्गस्टिंग एंड डर्टी. यहाँ पे डी लेटर वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, मोर देन वंस. ओके, डिस्गस्टिंग भी है, डर्टी भी है. तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आई होप यू ऑल नो बाई नाउ, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेज आई टॉक टू यू अबाउट. आई थिंक आई गेव यू फोर फिगर ऑफ स्पीचेज. फर्स्ट वाज सिमिली, सेकंड वाज मेटाफर, थर्ड वाज एलिटरेशन, फोर्थ वन वाज पर्सोनिफिकेशन. ओके, नाउ देयर आर मेनी मोर व्हिच आई विल गिव यू, बट राइट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एलिटरेशन, बिकॉज एलिटरेशन में हमारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं एक से ज़्यादा बार. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा आपका डिस्गस्टिंग डर्टी डी डी लेटर्स यूज हो रहे हैं, फिर से क्रीपी क्रॉली तो सी सी अभी यूज हो रहा है. इससे क्या होता है कि जब हम लोग एलिटरेशन यूज करते हैं तो हमारा जो लिटरेरी क्वालिटी है वो और बेहतर हो जाता है, स्टोरी का मीनिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमारा जो फिगर स्पीच से हमारा जो ये लिटरेरी डिवाइस हुआ जिससे हम लोग अपनी स्टोरी को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हमारे ऑडियंस उसको ज़्यादा एडमायर करें, लाइक करें. ओके, तो इट हैज रिटन अ लाइन ऑफ म्यूजिक. बट बेंजी बी श्योर दैट ही हैजंट ड्रीमिंग. क्या ये बेंजी श्योर था कि वो सपना नहीं देख रहा है? तो एक्चुअली हो सकता है कि वो सपना देख रहा हो. तो वी हैव टू नो दिस ओनली, वी विल कम टू नो ओनली अबाउट व्हेन वी विल कम टू नो अबाउट द, आई मीन व्हेन वी विल फिनिश द होल लेसन, देन वी विल गेट टू नो कि वो ड्रीम है, इफ ही इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग ऑन दिस. ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन इन द नेक्स्ट क्लास. But I would like all of you to just go through the story, go through each and every line. It's a very interesting story. And please, I request you to go through the difficult words which is given at the end of the page. Also learn the meaning, memorize it, because the more you will memorize it, the more you are going to use it in your daily English English conversation. I think this will help you to improve your English also. Okay? Now it's I would request you to please go through every lines, whatever material I am providing you. Make sure you are not wasting it, wasting your time. Try to practice more and more so that forget your English can improve, because this is the age where you should be speaking fluent English. Okay? Thank you so much. Please go through the subject. Okay? Thank you so much, class.